आईसीएल सर्जरी की थी, फेकिक आईवल सर्जरीज की थी दोनों आईज की लगभग 2 महीने पहले। दो इनके नंबर्स इन्हीं से पूछते हैं कि लगभग 2 महीने हो गए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है और पहले की लाइफ कैसी थी और आज की लाइफ कैसी है, तो कैसा लग रहा है 2 महीने बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब थैंक यू सो मच टू चेंज माय लाइफ। पहले के नंबर्स कितने थे याद है? जी 12 थे, 12 के करीब नंबर्स थे जी। तो अच्छा ये बताओ, चश्मे से पहले, क्योंकि बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि -12 से भी तो दिख रहा था और अब बिना चश्मे के केवल मेरा नंबर्स ही तो करेक्ट हुए हैं और अब मुझे दिख रहा है, तो चश्मे का ही तो केवल फ़र्क हुआ, लेकिन पहले की, चश्मे से पहले की निगाह और चश्मे के बाद की निगाह में क्या फ़र्क है? चश्मे से पहले की निगाह ये है कि कहते, मतलब पहले ये था कि जब सुबह उठते थे तो उतनी साफ नहीं दिखाई देता था, जाके तुरंत चश्मा ढूंढो और फिर जाके घड़ी ढूंढना। तो साइज में भी फ़र्क है विजन में? जी नहीं, ऐसा नहीं लगता कि पहले बहुत सारी चीज़ें जो थी छोटी हो जाती थी तो मैं नहीं देख पाती थी चश्मे के थ्रू? जी वो होता था, वो चश्मे की वजह से होता था, बार बार मेरा चश्मा नंबर चेंज होना, इसलिए बार बार 12 हो जाता था, लेकिन अब बहुत क्लियरिटी है और एकदम कांस्टेंट है। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। लेकिन अब आगे के लिए ध्यान क्या रखना है, क्योंकि आप हाई मायोपिक थी जब आपके नंबर -12 थे, तो वो आपके मायोपिक इफेक्ट हमेशा रेटना पे रहेगा जी लाइफ लॉन्ग। तो आपको एनुअल, ये नहीं कि आपका नंबर्स करेक्ट हो गए लेकिन मायोपिया करेक्ट नहीं हुआ है, तो मायोपिया के जो साइड इफेक्ट्स रेटना पे होंगे वो हमेशा रहेंगे। तो पेरिफेरल रेटना का चेकअप कराना हमेशा ज़रूरी है एनुअली, वो नहीं स्किप होगा। सर्जरी के बाद हम लोग 3 मंथ्स पे एक बार रेटना चेक करते हैं, तो आज हम लोग वो चेक करने जा रहे हैं आपका, उसके बाद ईयरली अब आपका चेकअप होता रहेगा। और बस बचाव करना है कि चोट ना लगे कोई किसी तरीके की, और अपना लाइफ का रूटीन सही होना चाहिए, खाइए पीजिए टाइम से, प्रॉपर स्लीप रखिए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उतना ही इस्तेमाल करिए जितना कि करना है, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।